लड़के ने दादी के बागेश्वर धाम से घर बैठे स्वास्थ्य होने की कामना की थी। पैदल बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए पुत्र नति बहु, सरकार ने सपने में दिया आशीर्वाद। खबर जतारा से आई है। कहा जाता है कि भगवान हर जगह विराजमान होते तो कहीं भक्तों के द्वारा की हुई विनती की इच्छा पूरी करने के लिए सपनों में कार्य सिद्ध कर देते। कुछ ऐसा ही नजारा बाछौड़ा से पैदल जतारा से बागेश्वर धाम जा रहे लोगों में देखने को मिला। जानकारी देते हुए जमुना बाई खंगार निवासी बाछौड़ा उम्र 90 वर्ष ने बताया कि हमारी लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन उपचार के उपरांत दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब कहीं प्रसिद्ध बागेश्वर धाम हमारा पुत्र अशोक खंगार धाम पर पहुंचा और बालाजी सरकार से विनती की, यदि हमारी दादी ठीक होती तो हम आपके धाम पर हमारी पत्नी हमारा पुत्र दीदी को व्हीलचेयर से बैठाकर स्वयं पैदल दर्शन करने लाओगा। अब किए गए मनोकामना को पूर्ण करने के बागेश्वर धाम जा रहे वही पुत्र राजा अशोक ने मीडिया को बताया कि हमारी माता का स्वास्थ्य खराब था और हमने घर पर बैठकर बालाजी सरकार से विनती की थी, हमारी दादी स्वस्थ हो जाए तो हम आपके धाम लेकर पैदल आऊंगा, तो हमारा परिवार चल पड़ा पैदल। वही खंगार ने बताया कि जब माता का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो सरकार ने सपने में दर्शन देते हुए आशीर्वाद दिया। श्री खंगार ने बताया कि व्यक्ति मन से भगवान को नमन करता है तो सभी की इच्छा पूर्ण होती, जैसे कि आज हमारी हुई। वही बहू ने भी मीडिया के समक्ष अपने बागेश्वर धाम बाला को लेकर विचार रखे। इस प्रकार तीनों लोगों ने करीब 20 किलोमीटर का पैदल सफर कर बाछौड़ा से जतारा होते हुए पैदल गुजरे, जहां स्थानीय लोगों ने पुष्पमाला अव जल पान से सम्मान किया। आए क्या कहते हैं अशोक खंगार अब उनकी पत्नी। दादी राम राम। राम राम भाई, का नाम आपको नाव कहाँ है? जमुना भाई। कहाँ की और बीमारी कहाँ की रही बीमारी कितने रहती, कौन गाँव में रहती? पछौड़ा में रहती। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम कहाँ गिराने जा रही? कहाँ गिराने जा रही? हमारी नाती ने बोली थी सुझा लूँगा। क्या बोली थी आपको? हमारी भाई हमारी अच्छी हो जाए। हाँ। हम दर्शन कराए। अच्छा, तो आप ठीक हो? हम ठीक हैं। तो आप कहाँ बागेश्वर जा रही हैं? आप आपके साथ को जा रहा हूँ। कहाँ से जा रही हैं आप, कैसे पहुँचो आप? कहाँ से जा रही, कैसे पहुँचो? को जा बड़े नाती, बड़ी नातन, बड़े नाती को लायका पंती। अच्छा, कहाँ से पैदल जा रहे हैं? जा रहा है खुशी के, जा रहा है खुशी से, खुशी के भगवान अब यही कचु हमें हमारे दे, यही हमें हिम्मत दे, ठीक है, यही सब कचु कह दें, ठीक है, ठीक। भाई आपका नाम क्या है? सुमन नाम है। अच्छा, आप जो दादी बागेश्वर जा रही हैं, इनकी आपको लगती हैं? हम इनकी नत बहू लगती हैं। नत बहू लगती हैं, आप भी इनको साथ में जा रही हैं अपने, तो आप क्या क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? हम यही उम्मीद लेके जा रहे थे कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। तो हम लोगों ने बोली थी कि इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम बागेश्वर इनको लेके जाएंगे। अच्छा, इनके तो दर्शन कराएंगे। अच्छा। हमारी आखिरी इच्छा यही थी। अच्छा, तो ये ठीक हो गई। हाँ। तो हम इनको लेके जा रहे हैं। किस तरह जाने, किस वाहन से जाने, किस तरह जाने? जा रहे हैं पैदल, जा रहे हैं। अच्छा, गर्मी है, हम पैदल जा रहे हैं। नाम कहाँ भाई साहब आपको? मेरा नाम है राजा अशोक खंगार, ग्राम बछौड़ा। अच्छा, आप जो अब जो रास्ता में आप बागेश्वर के लिए जा रहे हो, आप धर्म ध्वजा भी हाथ में लिए है, किस संबंध में क्यों जा रहे हो, क्या है लक्ष्य आपका? कोई लोभ लालच का संबंध नहीं है, मेरा धर्म का मार्ग है कि दुनिया जा रही है, देश विदेशों से आदमी आ रहे हैं। मुझे एक बार गया था बम्बई से, आया इंसान मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि मेरी दादी जी वैद्य हैं, तो हम भी सोचे कि इनको अंतिम दर्शन एक बार कराया जाए। इनकी एक बार तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि बागेश्वर महाराज ठीक हो जाए, कहा था मैंने, तो वहाँ दर्शन कराएंगे, हम इनको ले आएंगे, तो हमने सोचा कि पैदल ही इनको दर्शन कराएं। अच्छा, वाहन से हर आदमी करा सकता है, लेकिन हमने की पैदल से कराया जाए। तो जो आपने इच्छा बागेश्वर से रखी वो आपकी पूरी, तो आप फिर इनको लेके? बिल्कुल, हमारी इच्छा यही थी कि हमारी कोई लोभ लालच की इच्छा नहीं थी, केवल इनकी ठीक होने की थी। अच्छा, तो ये ठीक हो गई, तो हमने हमको जाया जाए, यही प्रार्थना है हमारे बागेश्वर महाराज से। हमारी कोई लोभ लालच की प्रार्थना नहीं है कि हमारी कोई हमारे इनसे कोई इनसे कोई लालच हो या किसी से कोई लालच हो, मेरा कोई लालच नहीं है। ठीक, मेरा तो ये केवल इनको दर्शन कराया जाए बालाजी सरकार के, यही है। जैसे हम करें ऐसे ईश्वर हर आदमी जाए, हम तो यही कामना करते हैं, भारत देशवासी सभी लोग जाएं।